हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे गर्भवती महिलाएं जो अपनी ही गलतियों की वजह से अपने बच्चे को विकलांग पैदा करती है। अगर वो सही से देखभाल नहीं करती अपने प्रेगनेंसी के समय, तो उनका बच्चा या तो मानसिक रूप से विकलांग पैदा होता है या तो शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होता है। तो आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे मिस्टेक, कुछ ऐसे गलतियाँ जिनके बारे में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, जो महिलाएँ होती हैं वो किन किन गलतियों की वजह से अपने बच्चे को विकलांग कर लेती हैं अपने पेट के अंदर ही। तो उन महिलाओं को सावधानीपूर्वक इन बातों का ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। पहली बात, जो महिलाएं होती हैं वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पाती हैं। खाना नहीं खाती है या तो खाने को नेगलेक्ट करती है और खाने में फॉलेट की मात्रा कम रखती है, चाहे उनका कोई भी रीजन हो सकता है। इनके इस तरीके से करने की वजह से बच्चे को प्रॉपर तरीके से फॉलेट और प्रॉपर न्यूट्रिशन और विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। तो बच्चा जो होता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम का बीमारी लेके पैदा होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड बेनिफिडा, स्पाइना बाइफिडा और साथ में एनिसोफेली नाम की बीमारी होती है। तो ये सारी बीमारी फॉलेट और विटामिन की कमी की वजह से होती है, उनके पुअर खाना खाने की वजह से और पुअर फॉलेट इंटेक की वजह से। दूसरा है, जो महिलाएं होती हैं वो स्मोकिंग करती हैं सबसे ज़्यादा, सेकेंड हैंड स्मोकर बोलते हैं जिसको, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो स्मोकिंग की वजह से बच्चे पे भी अल्टीमेटली सेकेंड नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उनके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करने की वजह से जो बच्चा होता है वो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट नाम की बीमारी से ग्रसित होता है। साथ ही जो बच्चा होता है वो बर्थ डिफेक्ट, बहुत सारी बर्थ डिफेक्ट हो सकती है, समय से पहले बच्चा जन्म ले सकता है और भी उसको बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव फंक्शन, ध्यान अच्छे से नहीं लगेगा बच्चे का बड़ा होने के बाद। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब वो प्रॉपर तरीके से रीजनिंग, थिंकिंग, जजिंग कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो बच्चा पूरा डिफेक्ट पैदा होगा। तीसरा कारण है अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ करना। कई महिलाएं ड्रग का यूज़ करती हैं तो और अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में पीती हैं प्रेगनेंसी के समय, तो इनको अल्कोहल की वजह से बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बच्चा ही डिफेक्टिव पैदा होता है। जो माताएं हैं उनकी बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से उनको एक फीटल स्पेक्ट्रम डिफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, जो कि बहुत ही सारा कम्बिनेशन ऑफ डिजीज होता है। जैसे उसको पढ़ाई करने में भी दिक्कत होगी, उसका ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगा बच्चे का, साथ में उनको लर्निंग भी प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ज़्यादा डिफेक्टिव बच्चा पैदा होगा। और साथ ही साथ जो बच्चा है उसका लो बर्थ वेट होगा, मतलब बच्चा पैदा ही एकदम लो बर्थ वेट में होगा और प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक कारण है बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल होने की वजह से बच्चे पे डिफेक्ट होना। उसके बाद है नेगलेक्टिंग प्रीनेटल केयर और मेडिकल चेकअप। नेगलेक्टिंग मतलब होता है कि आप अपना प्रीनेटल चेकअप नहीं करवाते हैं। आपको डॉक्टर ने जितना एडवाइस किया है कि आपको गर्भवती के समय में पूरा 9 महीने में जितना भी आपका चेकअप होना है, मेडिकल ट्रीटमेंट या जो भी, उनको आप नहीं करवा पाते हैं या तो नेगलेक्ट कर देते हैं कि कौन करवाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना है आपको, प्रॉपर तरीके से मेडिकल चेकअप पूरे ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, तभी हम बच्चे को जान पाएंगे कि बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई फिटल डिफेक्ट तो नहीं है, ये सारे कुछ इसमें देख पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप ज़्यादा ही मात्रा में स्ट्रेस और बहुत कम मात्रा में रेस्ट करती हैं। स्ट्रेस मतलब किसी न किसी चीज का चिंता करना, टेंशन में रहना कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, एनी टाइम स्ट्रेस लेते रहना, और स्ट्रेस ज्यादा रहने की वजह से प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाती हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है बच्चे का ग्रोथ डिफेक्ट होने का, बच्चे का अर्ली आपका जल्दी बर्थ हो जाने का और बच्चे का सारी डिसेबिलिटीज और सारे इतने सारे डिफेक्ट फॉर्मेशन होने की वजह से। नेक्स्ट है आपका ओवर एक्सपोजर ऑफ द एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स मतलब वातावरण में जितने भी टॉक्सिन्स और विषैले और हानिकारक पदार्थ है, अगर आप उसमें ज़्यादा एक्सपोज हो गई हैं, उसके संपर्क में आ गई हैं, तो भी आपका बच्चा जो है डिफेक्टिव पैदा होगा। क्योंकि ज़्यादा एक्सपोजर में जब आएंगे ऐसे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से, तो जो बच्चा होता है वो लो IQ का पैदा होता है, साथ ही साथ उनका नर्व प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता, ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, जिसके वजह से उसका लो बर्थ वेट बेबी भी होता है। तो मतलब समय से पहले बच्चा पैदा हो जाएगा, प्री मेच्योर भी होगा और साथ में बच्चे का वजन भी बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा, तो आपको इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है, जो माताएं सबसे ज्यादा अपना समय गर्म पानी में नहाने में लगाती है और सबसे ज्यादा हॉट टब में अपना समय व्यतीत करती है, तो इस कंडीशन में भी जो बच्चा होता है विकलांग पैदा होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है बच्चे को, साथ ही साथ बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है और साथ ही साथ लर्निंग डिसेबिलिटी और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। और भी कंडीशन है जैसे कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ऐसी माताएं जो गर्भवती माताएं जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, बस आराम से पड़ी रहती है बिस्तर में, बस खाती रहती है और प्रेगनेंसी इंजॉय करती रहती हैं, उस कंडीशन में भी उनको बहुत ही ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। उनको प्री एक्लाम्सिया और साथ ही साथ प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस जैसे संबंधित बीमारी देखने को मिलती है,
जिससे बच्चा आगे जा करके बहुत ही ज्यादा मोटा और ओवर वेटेड पैदा होता है और साथ में विकलांग पैदा होता है। दूसरा है आप डिहाइड्रेशन ज्यादा रहती है, मतलब कई लोग हैं कैसी ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको पानी पीना पसंद नहीं है, कम मात्रा में पानी पीती है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी उनको बहुत समस्या देखने को मिलती है। उनका जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो बहुत कम मात्रा में बनता है, जिसके बच्चे का ग्रोथ ओवरऑल नहीं हो पाता है और बच्चा डिफेक्टिव पैदा होता है। साथ ही साथ बच्चे को प्रीटर्म और प्री लेबर जैसी समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन खाती हैं, मतलब खरीद के मेडिसिन फार्मेसी से खाती है बिना किसी गायनेकोलॉजिस्ट या बिना किसी डॉक्टर के सलाह की वजह से। ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ओवर द काउंटर आप किसी भी मेडिसिन को खा लेंगे तो अल्टीमेटली वो आपके बेबी पे ही डिफेक्ट करेगा जब आप प्रेग्नेंट रहेंगे। तो विदाउट सलाह, बिना किसी सलाह के आपको ऐसे नहीं करना है, मेडिसिन प्रॉपर खाएं लेकिन डॉक्टर के सलाह से खाएं। और कारण है जैसे कि आप वार्निंग साइन को इग्नोर करती है, जैसे कि वार्निंग साइन मतलब कुछ ऐसे खतरनाक लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के समय, तो अगर वो दिखता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास आना है। तो खतरनाक लक्षण में सबसे पहले होता है अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, या तो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या तो आपको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, या तो आपका बीपी बढ़ गया है, तो ये सारी कंडीशन जो वार्निंग साइन होती है इनको इग्नोर ना करके आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। अगर आपने डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा है तो बच्चा पूरा डिफेक्टिव पैदा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको बहुत ही ज्यादा वेट गेन कर लिया है, या तो कई महिलाएं ऐसे भी होती हैं कि मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, ज्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। आपको 10 से 12 किलो वेट प्रॉपरली गेन करना है, इससे ओवर ना ईटिंग करें, लेकिन 10 से 12 किलो आपको प्रेगनेंसी में कंटिन्यू वेट गेन रखना है आपको। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट स्लीप, काम की वजह से, टेंशन की वजह से, या तो स्ट्रेस की वजह से प्रॉपर नींद नहीं ले पा रही है, ऐसी महिलाएं कभी बच्चे में डिफेक्टिव पैदा होता है, प्रीटर्म होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, या उनको बहुत ही सारे ऐसी बीमारियां हो जाती है, तो उनको प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप भी लेना चाहिए, नींद भी पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है अवॉइड स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो हमारा 3 ट्राइमेस्टर होता है, तीनों ट्राइमेस्टर में अगर गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको सलाह दिया है कि आपको इस ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी ये करवाना है, तो आपको कम्प्लीटली करवाना चाहिए। अगर आप नहीं करवा रहे तो ये आपकी गलती है कि बच्चा अगर डिफेक्टिव पैदा हुआ तो आप फिर बाद में उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते, तो आपको पूरे तरीके से प्रॉपर ध्यान देना है कि कब कब स्क्रीनिंग करवाना है। तो आज हमने देखा जो एनसी मदर होती है, एंटीनेटल माएँ होती हैं, जो गर्भवती माताएं होती हैं, उनको किन किन गलतियों की वजह से बच्चा डिफेक्टिव पैदा हो सकता है, तो ये सारी गलतियां आप अवॉइड करिए, स्वस्थ रहिए, बच्चे को भी स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच।